हेलो। तो आज क्या बनाते हैं? आज बनाएंगे एग करी। अब सब लोग बोलेंगे कि मतलब दादी एग की डिशेज आ रही। तो अभी सावन खत्म हुआ, फिर अभी 10-12 तारीख से गणेश चतुर्थी चालू हो जाएगी। तो अभी अंडे खाई लो, बाकी बाद में फिर काफी टाइम तक मिलने नहीं है, इसलिए अभी एग की डिशेज आ रही है। और बाकी अपन ने लिया क्या क्या है? प्याज चॉप्ड ऑनियन है, लहसुन है और ये हरी मिर्च। और आज मसाले मैंने पहले ही निकाल लिए, ये बे लीफ, तेज पत्ता, धनिया मतलब 2-3 टेबल स्पून ले लो, हल्दी, नॉर्मल लाल मिर्च और अमचूर। ये मीट मसाला है, मतलब मीट बनता नहीं है, मीट मसाला है सिर्फ। और लिया मतलब अपन ने दसी वाला है, ठीक है। और ये देगी मिर्च, कसूरी मेथी और बाकी तो ठीक है। और अंडों को अपन ने काट तो लिया, ये देख रहे, ये मतलब दिख रहा होगा कटा कटा हल्का सा। तो ये इसलिए किया है कि जब तेल में फ्राई करें ना तो तेल अंदर तक जाए, ठीक है। जैसे उस दिन अपन ने अपने उसमें करी थी एग बिरयानी में, तो अभी भी करेंगे। चलो आ जाओ। हेलो, क्या बीच की वीडियो है। तो अभी अपन ने मतलब लहसुन डाल दी, मिर्च डाल दी, अब प्याज डलेगी। बाकी यार मतलब देखो, लहसुन थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन हो जाए, अच्छा सा टेस्ट आ जाए, चाइनीज अरोमा सा अच्छा सा आएगा। और अभी अपन प्याज डाल दे रहे। अरे हाँ, रुको, हम डेली हमेशा ही भूल जाते, सब लोग कहेंगे जी वीडियो में जो बीच में क्या डालते, ये पहले डालते, हर वीडियो में हम बीच में डालते, तो इसको पहले ही डाले सब लोग, बीच में ना डालें हमारी तरह। बाकी इतना टेस्ट में तो कुछ फर्क नहीं आता, ठीक है। चलो अब प्याज डाल दे रहे। और जिसको जैसे मतलब थोड़ी सी ज़्यादा वैसी ग्रेवी पसंद है, मतलब गाढ़ी गाढ़ी टाइप की, तो और ज़्यादा प्याज डाल लो। जिसको जैसा पसंद है वो वैसा डाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो चल ही रहा है, ठीक है। हाँ चल, हाँ तो अब मसाला पक गया है जो कि अभी देखा होगा। और आज का मसाला और मस्त है कि आज के टमाटर भी चॉप्ड करके डले हैं, तो ग्रेवी मसाला काफ़ी अच्छा बन रहा है। थोड़ा सा मतलब जब ये वाला मसाला डालें, जब सूखा मसाला, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें क्योंकि मसाला जलने के चांसेस ज़्यादा होते। और अब जैसे थोड़ा क्रीमी वीमी पसंद है तो क्रीम वगैरह अभी डाल लो। और बाकी तो हमारे पिछले वीडियो में पता ही होगा कि फ्लेम्स लो रंग में डालना है, अगर नहीं पता तो पहले वाले देख के आओ। बाकी अभी जो एग्स फ्राई हो ही गए तो एग्स डाल देंगे। तो चलो ठीक है, डालते हैं एग्स। तो दिख रहा होगा कि बन के अब रेडी है, एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है।
बॉईल ऑयल आ गया, सब सब कुछ मस्त बन गया। अब मस्त इसको थोड़ा सा एक दो मिनट ढक के पका ले रहे। चलो बाय। बन गया, अब इसको मस्त डिजाइन से खोल, मतलब इसका खोलते हैं। देख रहे क्या मस्त बनी है, धनिया देख रहे क्या ऊपर तक डाली है सजाने के लिए। सर बाकी इतनी धनिया होती नहीं है घर पे, सिर्फ इसके लिए डाल देते। और ठीक है चलो अभी खा के देखते हैं। वैसे अच्छी बनी, हमें अपने ऊपर विश्वास है। ठीक है चलो देख रहे, बिल्कुल ढावा स्टाइल बनी है अच्छी। मतलब जो वैसा मसाला होता है ना, शायद किसी ने सेव टमाटर की सब्जी खाई हो तो बिल्कुल, मतलब हमें उसकी याद आ गई। तो वैसे मसाला मतलब थोड़ा सा ना ज़्यादा पका, मतलब बिल्कुल एकदम, और ना ज़्यादा कच्चा। तो बाकी अभी टेस्ट कर रहे हैं। हम मास्टर साहब हैं, ये रणवीर बरार ये सब तो ऐसे ही हैं, हमारी देखा करो आगे से। ठीक है अभी इससे खा के देख रहे हैं, मतलब रोटी से। हाय हाय हाय, अत्युत्तम, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। बाकी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अब करो सब लोग जल्दी, मतलब हमें एनालिटिक्स में पता चल रहा लोग कर नहीं रहे यार। ठीक है चलो आज का यही एंड करते ब्लॉग। ठीक है बाय बाय।